फतेहपुर जनपद की 6 विधानसभा सीटों में से एक सीट है जहानाबाद। वर्तमान में यहां से समाजवादी पार्टी के मदन गोपाल वर्मा विधायक हैं। विधानसभा के इतिहास पर नजर डालें तो 1974 के 6 विधानसभा चुनाव में अस्तित्व में आई जहानाबाद सीट। 2012 में समाजवादी पार्टी के मदन गोपाल वर्मा विधायक चुने गए। 2002 में मदन गोपाल सपा और 1993 में जनता दल के टिकट पर जीते। 1996 और 2007 में यहां बसपा का कब्जा रहा। 1989 से 1996 तक इस सीट पर जनता दल का कब्जा रहा। 1974, 1980 और 1985 में कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी को अभी तक पहली जीत का इंतजार है। जहानाबाद से 3 बार विधायक चुने जा चुके मदन गोपाल वर्मा एक बार फिर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हमने पड़ताल की उनके विकास कार्यों की। आखिर मदन गोपाल वर्मा जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे। विधायक के दावों को परखते हुए हमने राय जानी क्षेत्र की जनता की। आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? सड़कों की आप पता कर लीजिए, 90% सड़कें रिपेयरिंग हो गई, 10% बाकी जो हो रही है। और मेरा ख्याल है एक आध सड़क कोई रह जाएगी इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। और सड़कों के मामले इतना काम हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ। बहुत से दिक्कत है, गांठिन बदहला है, चल भी सब रास्ता नहीं, कोई भी रास्ता सही नहीं है हमारे लिए। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं किया है। 5 साल में एक कोरोना सड़क व्यवस्था दुरुस्त कराई और इसका जवाब 2017 में आने वाले चुनाव में जनता ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। इसको पूरी रोड में नाली, इस तरह की अगर गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल कोई साधन निकले तो लड़के, बच्चे, छोटे सयाने गिर गिर पड़ते हैं। और इतना पानी हमारे घर के सामने से तो इतना पानी भरा है। ना कोई रोड है उस तरह के कायदे के, RCC भी है कुछ नहीं, पुराने रोड खड़े वगैरह पड़े, बरसात में भी दिक्कत होती है। नहीं, अभी तक 5 साल में सिर्फ वोट मांगने के समय पर आए हमारे मोहल्ले पे, इसके बाद हमारे मोहल्ले में कोई भी काम नहीं हुआ, ना रोड बनी। दूसरा ऐसा काम बताइए जिससे जनता आपको वोट करे। जब तक समस्या ना, इतनी बिजली सरकार दे रही है, मेरा ख्याल है कि इतनी बिजली कभी मिली नहीं है। और लगातार किसान को 12 घंटे से 14 घंटा तक, 16 घंटा तक, यहाँ पर क्या है कि जो नगर है जहानाबाद, वहाँ 18 से 20 घंटे तक सप्लाई मिल रही है। 8-8, 12-12 घंटे तक बिजली नहीं आती है और कार्य नहीं किया है और ना ही आज तक मतलब मोहल्लों में वो घूमने के लिए आए हुए। 5 सालों में विधायक ने क्या कराया? तार हमारे यहाँ लगा हुआ 3-4 जगह से टूटा हुआ है, आवाज तक कोई नहीं देता। आए दिन जो है ये टूटता रहता है, बहुत समस्या है। हमारे छत में तार है, बताइए, बच्चे नहीं चढ़ पाते ना हम लोग, चढ़ पाते हम लोग मजबूरन, बत्ती चली जाए, कुछ भी चली जाए, हम लोग नीचे पड़े रहते हैं। बिजली की वो समस्या है कि कहो वो 18-18 घंटे बिजली गायब रहती है। हमारे क्षेत्र में आते हैं विधायक जी? कभी नहीं आए ना कभी दिखाई दिए, केवल वोट मांगने आते हैं। बिजली तो घंटा 2 घंटा 4 घंटा आएगा तो टाइम से निकली नहीं आता। आपके कार्यकाल का तीसरा बड़ा काम क्या रहा? बेरोजगारी बहुत होती है, बेरोजगारी दूर करने का, समाजवादी पेंशन, जो लोग बेकार थे अपने बाप पर, माता पर जो आश्रित थे उनको पेंशन दे करके उनके गुजारे का व्यवस्था किया। जो मुद्दा किसानी जुड़ा हुआ है उन सारे मुद्दों को पूरा किया है। अब विकास के ही रास्ते पर सरकार चल रही है, अब मुद्दा ही विकास होगा। कुछ नहीं हुआ, सब प्रधान खा गए हैं और जो बना हुआ है वो भी अब खा रहा है। यहाँ पब्लिक के लिए कुछ नहीं है, कुछ कार्य नहीं हुआ। 5 साल में हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं। वोटिंग के समय आते हैं, हमारा हैंड पाइप 3 साल हो गए, पानी के लिए हम तरस रहे हैं। कभी आज तक कोई काम ही नहीं हुआ, ना होना है, ना हुआ है, ना होगा। हाँ भैया, ना यहाँ कुछ नहीं हमको मिला आज तक, न विधायक आया, न पूछी, खाली वोटन की बिहार भर पूछत रहा है कि भैया वोट चाहिए। हूँ नहीं आए, सब वही कहाँ चल रहा है जैसे भगवान भरोसे। 3 बार विधायक रहने के बाद भी मदन गोपाल वर्मा जहानाबाद की तस्वीर नहीं बदल पाए। विधायक के विकास कार्यों से जहानाबाद की जनता संतुष्ट नजर आई। क्षेत्र के अधिकतर समस्याएं जस की तस है। मदन गोपाल वर्मा जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और समाचार प्लस की पड़ताल में फेल नजर आए।
फतेहपुर से समाचार प्लस के लिए अवनीश सिंह चौहान की रिपोर्ट।